हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज डेट है 1 जनवरी 2021 और 2021 की मेरी ये पहली वीडियो है और लकीली आज मेरा जन्मदिन भी, आज मैं 24 साल का हो गया। सो टुडे इज माय 24th बर्थडे। आज की वीडियो कोई ट्रैवल व्लॉग या कुछ ट्रैवल से रिलेटेड नहीं है। मैं दरअसल अपने बर्थडे के दिन कुछ अच्छा काम करना चाहता था, तो मैंने डिसाइड किया कि आज मैं यहाँ पे हरगिजा में, यहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं या फिर गरीब फैमिलीज है जिनको जरूरत हो, उनको मैं खाना, ग्रोसरीज या जो भी कुछ हो वो सब मैं बांटूं, मील्स बांटूं या दवाइयां, जिस भी चीज की इनको जरूरत हो वो मैं बांटूं। मेरी हेल्प करेगा आपदी और उसके भाई, वो नीचे मेरी वेट कर रहे हैं। तुम जाके कुछ मील्स पैक करवाएंगे और ऐसे कुछ फैमिलीज ढूंढेंगे, परिवार ढूंढेंगे जिन्हें उसकी जरूरत हो, और सड़कों पे जाके गरीब बच्चों को या फिर उन फैमिलीज को जाके वो सब बांटेंगे। तो मैं कुछ करना चाहता था अच्छा। यूजुअली इंडिया में भी मैं अपने बर्थडे पे या फिर कोई खास दिन हो तो कोशिश करता हूँ कि चैरिटी करूं, जरूरतमंद लोगों के लिए कुछ करूं, पर मैं दिखाता नहीं हूँ, ना ही दिखाना चाहिए। ये कोई दिखाने वाली चीज नहीं है कि मैं ये चैरिटी कर रहा हूँ या ये अच्छा काम कर रहा हूँ। ये सब चीजें ऐसी होनी चाहिए कि आप एक हाथ से करो और दूसरे हाथ को पता भी ना चले। पर क्योंकि अभी मैं नई कंट्री में हूँ, नई जगह पे हूँ, इस बहाने मैंने सोचा वीडियो बनाऊं तो आपको भी नई चीजें देखने को मिल जाएगी, यहाँ के लोग थोड़े और अच्छी तरह देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं आज की इस वीडियो को पूरा बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा जो भी हम लोग करेंगे, जैसे भी करेंगे। तो लेट्स गो। अभी होटल से बाहर निकलने लग रहा हूँ मैं और यहाँ पे हरगिजा में आपको हर जगह लिफ्ट नहीं देखने को मिलेगी। आई एम वेरी लकी कि मेरे होटल में है और चौथी मंजिल से मैं लिफ्ट से आ सका। उधर गाड़ी खड़ी है शायद। तो इधर ये ग्रोसरी स्टोर सा एक, इधर हम आए, इधर से हम कुछ खरीदेंगे सामान इस दुकान से। एक एक महीने का राशन ले रहे हैं दो गरीब परिवारों के लिए, उसके बाद कुछ मील्स बांटेंगे गरीब बच्चों को। अभी राशन ले रहे हैं। हमने खूब सारी चीनी ली है, आटा ली है, स्पेगेटी ली है, फिर पास्ता जो इधर ये खाते हैं वो नूडल्स है वो ली है, और तेल लिया है, मिल्क पाउडर लिया है, और चावल लिया है, चावल, आटा, पास्ता, ऑयल, मिल्क पाउडर। ऑलराइट, सो आई थिंक वी शुड पुट इट इन द कार। Thank you.
wait right here for a second. Is that heavy, Ahmed? No, my pants keep falling. I'll hold that one for you. Don't worry. तो अभी हम इस जगह आ गए जिधर हम फैमिली को देने वाले हैं. ये थोड़ा झुग्गी टाइप का इलाका है और इधर तो इधर एक फैमिली है जिसे हम खाना देंगे एक महीने का राशन पूरा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अच्छा हां इसमें मन से मन से मैं हां इंशाल्लाह इंशाल्लाह काफी खुश है लोग सारे माशाल्लाह माशाल्लाह कर रहे हैं. मैंने कर कर द किड्स मे बी दे वेरी क्यूट. हां हां नूर बाग What are they saying? They were kind of thanking you and making a little prayer for you. Oh, okay. About how you kind of helped them and that this is going to go a long way. You see how like there's multiple families here that they can all use it for a few weeks to a month, depending on how they kind of ration it. So they're just giving you prayer and thanking you. इधर काफी ऐसे ऐसे छोटी फैमिली है. कोई भी फिक्स दरवाजे या दीवारें नहीं है. ये खुले में ऐसे रहते हैं. आगे और भी परिवार है तो ये बोल रहे थे हमारा काफी हफ्तों या महीनों तक चलता है और ये बस कुछ नहीं मेरे लिए प्रे कर रहे थे और धन्यवाद कर रहे थे अपनी भाषा में. और काफ़ी अच्छा लग रहा है अपना बर्थडे इधर मना के लोगों को कुछ दे के खुशियाँ बांट के. एंड मासिंता है टेक केयर गुड बाय. Alright, so that I can repost. Gave a lot of B-roll footage, so you can try to show the area. I showed all. तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और अब मेरा मन है कि सड़क पे जो भूखे बच्चे होते हैं उनके लिए मैं मील्स वगैरह कुछ लूँ और उन्हें वो खिलाऊं. अभी अंधेरा हो जाएगा तो कल सुबह कर लेंगे पर देखते हैं क्या होता है. पर थोड़ा और करने का मन है. अभी तो 6-7-8 दिन ही इसमें इनका महीने का खाने का हो पाएगा पर मैं चाहता हूँ कि मैं और लोगों को खाना खिला पाऊँ. और 2-3 दिन में मुझे जाना भी है तो मैं चाह रहा हूँ इतने टाइम में जितना कर सकूँ करूँ. और लेट्स सी आई फील रियली गुड. एंड Yeah, as Ahmed wrote on his Instagram story, the happiest people are the ones who give back. So I really feel happy now, and I feel as if I'm doing the right thing on my birthday. बच्चे काफी शर्मा रहे थे फोटो वगैरह के लिए तो देख के थोड़ा डर रहे हैं और कैमरे से भी थोड़ा घबरा रहे थे. तो भी मैं इन बच्चों के साथ फोटोज खिंचा रहा था. बच्चे काफी खुश है. पहले शर्मा रहे थे मेरे से अपनी शर्मा रहे. इन्होंने शायद फॉरेन आदमी ऐसे देखा नहीं तो थोड़ा सा एक्साइटेड है मेरे को देख के. तो हमने जो सामान लिया था उसमें बेसिकली बच्चों के लिए कुछ ऐसा नहीं था तो मुझे बुरा लग रहा था. फ्रूटी वगैरह और कैंडीज ले ली. वापस शायद 2-3 डॉलर जो वापस मिले वो मेरे को शिलिंग में कन्वर्ट होके मिले तो देखो कितने नोट वापस मिले. वापस अब हम बच्चों की तरफ जा रहे हैं. इनके लिए कुछ चॉकलेट्स वगैरह दे देंगे. यहाँ पे सीधे हाथ से देते कुछ भी देना हो तो ये रुक जा रहा है यार.
Bro. Mariam. Give her a second. Yeah, turn the next Did he get a lollipop? Very honest. शायद यहाँ पे बच्चे खत्म हो गए तो इस केस में हम उनकी माँ को दे देंगे सारी। Yeah, हमारा कुछ भी नहीं लगा, क्या थोड़े से रुपए लगे होंगे और इनके चेहरे पे कितनी खुशी आ गई, कितनी दुआएं दी होगी, तो काफी अच्छा फील हो रहा है। We spend our money on like stupid things sometimes, and I really feel that we should be doing this thing very often. Like, and all the kids were very happy. Like they 10, really, 15 kids, yeah. Yeah, they really don't see, like, they kind of focus their money on more important things, like getting lunch, dinner. So just having a little snack and something as a luxury for them is very important. तो आज फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन ये लोग दिन में रेस्ट करते हैं और आमतौर पे छुट्टी मनाते हैं। शाम को ये मार्केट सा लगता है और मार्केट में काफ़ी भीड़ हो जाती है, आमतौर पे इस रोड पे इतनी भीड़ नहीं होती है, रोड खाली सी रहती है। आज फ्राइडे की वजह से काफ़ी भीड़ है, देख सकते हो आप, साइड में छोटी छोटी स्टॉल लगा रखी है, साइड में वेंडर्स बैठे हैं। अभी हम ढूंढ रहे हैं कोई दुकान जिधर से हम खाने की मील्स ले सके। इधर के जो गरीब लोग हैं सड़क पे, जैसे ये बच्चे हैं, इन जैसों को मैं खाना खिलाना चाहता था, तो ये जो पैसे मैंने चेंज कराए, इसके अलावा कुछ और पैसे मेरे पास है सोमालीलैंड शिलिंग्स, और वैसे यहाँ पे डॉलर्स भी एक्सेप्ट करते हैं, तो उससे मैं खाना खरीदूंगा यहाँ पे। तो अभी इस दुकान पे हम कुछ खाने के मील्स बनवाने ताकि लोगों में बांट सके, और इधर से लेंगे वो और फिर लोगों में बांटेंगे। ये फिश है और चावल है। इसमें चावल है, चावल के ऊपर कोई ये तरी सी डाल रहे हैं और उस तरी के ऊपर ये फिश है, चावल, थोड़ी सी तरी और फ्राइड फिश का ये एक। ये भाई पैक करे जा रहे हैं, वो भाई तैयार करे जा रहे हैं, कुछ हो गए तैयार, आधे से थोड़े कम पैक करके भाई इधर रखते जा रहे हैं।
हमने कुछ मील्स और ले लिए लोगों को खाना बांटने के लिए। मैं सड़क पे चलते जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी भूखे लोग हैं, जिनको खाने की जरूरत है, जो जरूरतमंद है, उनमें खाना बांटूंगा। सड़क पे चलते चलते जिसको भी जरूरत होगी उनको ये मील्स देता रहूंगा। तो भाइयों ये थी आज की वीडियो। आप दी और उसके भाइयों की बहुत ज्यादा हेल्प थी खाना खरीदने में, लोगों में बांटने के लिए, और उसके बाद जिन फैमिली की जरूरत थी, जो जरूरतमंद फैमिलीज थी, उन्हें ढूंढने में भी आप दी और उसकी फैमिली ने मेरी काफी मदद करी। उसकी मम्मी ने, उसके भाइयों ने बताया कि भी उधर जाओ आप, उधर उधर लोगों को जरूरत है। मैंने सारे पार्ट्स इस वीडियो में नहीं दिखाए खाना बांटते के, चीजें करते के, क्योंकि चैरिटी आपको दिखानी नहीं चाहिए वैसे, पर मेरे दिखाने का सिर्फ यही मोटिव था कि आप जो दूसरी साइड थी सोमालिया की, वो देख सको गरीबी और लोगों को कितनी जरूरत है, हमारे इंडिया में भी है। और आप सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं बस ये मैसेज आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी देश में घूमने जाए, किसी भी जगह घूमने जाए, तो उनको लूटने की बजाय आप कुछ ना कुछ देने की सोचा करो। सबसे पहले आप जिधर रहते हो आप अपने एरिया में भले का काम करो, चैरिटी करो, और अगर आपके पास पैसे है घूमने के, अगर आप घूमना चाहते हैं, तो उधर आप जरूरी नहीं आप लोगों में खाना बांटो, पैसे बांटो, आप बस उस जगह को साफ रख के भी चैरिटी कर सकते हो। आप फालतू में रैपर्स मत फेंको और सड़कें गंदी ना करो, गंदगी ना फैलाओ, और उनके जो रूल्स और रेगुलेशन है उनकी रिस्पेक्ट करो। आप इतना कर रहे हो तो उसमें भी चैरिटी है मेरे हिसाब से। तो कुछ भी हो आप, जितना भी थोड़ा बहुत कर सकते हो आपको करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। और इस वीडियो से मेरा बस यही मैसेज था कि हमारे लिए शायद कोई चीज़ छोटी सी हो, पर किसी और के लिए वो चीज़ बहुत बड़ी होती है, और ऐसे ही हम खुशियाँ बांट सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो का मैसेज पसंद आया होगा। मेरे लिए काफ़ी अच्छा बर्थडे था मेरा, वन ऑफ द बेस्ट बर्थडेज, मेरे को सही में बहुत अच्छा लगा ये करके। कोई मैंने पार्टी वार्टी कुछ नहीं करा, सिर्फ ये चैरिटी करी थी, और रात को बस खाना खाने बाहर गए थे इन भाइयों को खिलाने के लिए। एक लास्ट चीज़, मैंने काफ़ी मेहनत करी है इस ट्रिप के लिए, कोई आता नहीं है सोमालिया, सोमालीलैंड ऐसी जगह, फिर भी मैं आया, और मेरे को सब ने रोका, दोस्तों ने और जानकारों ने, पर फैमिली मेरी मान गई थी, पर फिर भी मैं यहाँ पे आया आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए। तो आई होप यू वुड अप्रिशिएट इट एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, स्टे सेफ।